अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बस ये आज हफ्ते का दिन है और हम आज जा रहे हैं पिकनिक के लिए वाटर पार्क हम जाएंगे। हमने कहा जरा आज मौसम भी बेहतर है, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, जिसकी वजह से हमने प्लान बनाया। तो हमारे साथ बाकी दो फैमिलीज और जा रही हैं, तो बस अभी हम घर से निकले हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते और शेयर करते। ओके जी, चलें जी, देखते हैं वो कहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पे पहुँच के तो फिर आपसे मिलते हैं। बस ये हम वहाँ पे पहुंचे जहाँ पे सब वेट कर रहे थे, तो वहाँ से हम बस निकले और हमने अपना सफ़र शुरू किया। बस मोबाइल आप लोगों को पता है, जब बच्चा साथ हो तो बच्चे को भी चाहिए होता है, वो बोर हो रही थी। तो बस फिर अब हम यहाँ पे पहुँचने गए थे और 5-6 मिनट में हम स्वादी बीच पे, बीच नहीं सॉरी वाटर पार्क, वहाँ पे चले जाएंगे। और आज वेदर भी अच्छा था, इतनी गर्मी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, हल्की हल्की धूप थी, थोड़े बादल आए हुए थे, तो अच्छा वेदर था। बस ये वाटर पार्क की एंट्रेंस है, तो यहाँ से हमें गाड़ी में ही टिकट उतरने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हम टिकट बाय करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने हमें टिकट के लिए हमने पे किया 3 रियाल पर पर्सन टिकट थी, बच्चों की टिकट नहीं थी, नाया फ्री थी, राफे की और मेरी टिकट थी 3-3 रियाल की। तो ये हमने टिकट्स ली, ये देखें 3 रियाल ऊपर लिखा हुआ है, तो ये 2 टिकट्स ली और अब हम गाड़ी पार्क करते हैं और फिर अंदर चलते हैं। बस ये हम वाटर पार्क आ चुके थे, बाकी फैमिली भी आ गई थी, उसके बाद हमने चीज़ें वगैरह खाने वगैरह की चीज़ें रख ली और हम अंदर आ गए। मैंने सैंडविचेस बनाए थे साथ, उसका कवर नहीं उतरा, और आपने बोटी बनाई थी टर्किश कबाब, और ये भी आ चुकी थी उसमें भी। तो हीरा फे और उनके फ्रेंड वगैरह बैठे हुए थे, तो वो बिरयानी लेके आए थे और बाकी सारी रिफ़्रेशमेंट वगैरह उसमें लेके आई थी, सारों ने मिलजुल के किया। ये इधर से ये हॉल था, हॉल में काफ़ी अच्छी बैठने की जगह थी, डाइनिंग वगैरह लगी हुई थी, जो खाना बना के लाते हैं वो वहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। बस वहाँ से ये बाहर का व्यू था सारा। बस ये बाहर बड़ी खूबसूरत जगह थी और बच्चों ने हमारा खाना खाना मुश्किल कर दिया था, बार 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 बार, कभी उज़मा जा रही है, कभी आबिद भी जा रहे हैं, कभी मैं जा रही हूँ, कभी राफे जा रहे हैं, हम बस बच्चों को पकड़ पकड़ के ला रहे थे कि कहीं आगे दूर ना चले जाएं। अच्छा, आजकल के बच्चों को डर भी नहीं लगता कि हम अकेले हैं, हमें पीछे कोई आ रहा है, भरा नहीं आ रहा, वो चले जाते। तो बस ये सारा सीन। बस जी, फिर सब बाहर आ गए थे और वो सामने हमें वाटर पार्क नज़र आ रहा था, राफे आगे आगे हैं और अनाया तो वाटर पार्क देख के नया की स्पीड तेज़ होगी, वरना अनाया सबसे एंड पे थी, प्लांट्स वगैरह देखती हुई आ रही थी, और उसके बाद वाटर पार्क को देखती है अनाया तो फटाफट तेज़ तेज़ चलना शुरू हो गई। मोहम्मद भी बहुत सारी, हमें ख्याल से बच्चों से लेकर बड़ों तक हम सभी एक्साइटेड थे वाटर पार्क के लिए, और बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा जाना, इतना हमने इंजॉय किया, बच्चों ने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। लेकिन यहाँ पे जब हमने जूते उतार के फर्श पे पाँव रखा, ओए होए, इतना गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म था फ्लोर। तो बस ये हमने तो फट से पानी में जाने की, कपड़े वपड़े हम पहन के आए थे घर से ही, तो हम तो पानी में घुसे, पानी में जाके हमें सुकून मिल गया और बहुत मज़ा आया। बस यहाँ पे अनाया आप देख सकते हैं खूब इंजॉय कर रही है, पानी में आके देख रही है क्या है, ये अनाया के बाबा और अनाया स्विंग पे इंजॉय कर रहे हैं। बस ये अगर आप लोग अभी तक स्वादी बीच नहीं गए ओमान में रहते हुए, स्वादी बीच बार बार मेरे मुंह से निकल आता है, वाटर पार्क, स्वादी वाटर पार्क अगर नहीं गए तो आप लोग लाजमी जाएँ, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं, कोई पानी ज़्यादा नहीं है, हर उम्र का बच्चा जा सकता है ईजिली, पेरेंट्स साथ बच्चों के चले जाएँ, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं, तो आप लोग भी लाजमी जाइए। बस ये है कि हम टैन हो गए थे, लेकिन शुक्र है हम लेडीज़ ने तो खूब भर भर के सनब्लॉक लगाया था, मैं तो पानी में जाके भी हम तीनों ने सनब्लॉक लगाया था, हमारी तो थोड़ी बचत होगी, लेकिन अनाया बेगम को मैंने घर से निकलते हुए सनब्लॉक लगवाया था, और बच्चे जो है ना वो सनब्लॉक इतना अच्छे तरीके से लगवाते भी नहीं हैं, तो इस वजह से ना उनके लिए थोड़ा था मुश्किल। जितने राफे टैन हुए हैं, उफ, राफे ने तो सनब्लॉक एक दफ़ा भी नहीं लगाया था, मैं तो कोई मसला नहीं है, ऐसी सही है, लेकिन अनाया तो बहुत ही काली होके आई है भाई, जहाँ जहाँ कपड़े थे नया के वहाँ से रंग साफ है और बाकी सारी स्किन ब्लैक हो गई है, तो कुछ नहीं होता, इंजॉय तो हमने कर लिया ना, कुछ दिनों में इंशाल्लाह कलर भी सही हो जाएगा सारों ने। मैं कहती हूँ कोई एक बंदा नहीं जिसने वाटर पार्क में इंजॉय ना किया हो, हम सब लेडीज़ बच्चे जेंट्स सब ने इंजॉय किया। 3-4 घंटे वाटर पार्क में कैसे गुजरे बिल्कुल पता नहीं चला, और मैं कहती हूँ बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है वो, मैं कोई उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, लेकिन वाकई में अगर आप लोगों के भी छोटे बच्चे हैं और अगर आप लोग अभी तक नहीं गए ओमान में, ये एक मेरे ख्याल से सबसे अच्छी एंटरटेनमेंट है, मुझे तो बहुत मज़ा आया और मेरे साथ अनाया को भी बहुत मज़ा आया, सबको बहुत मज़ा आया। बस जी, अब एंड पे हम थक चुके थे, मगरिब होने वाली थी, हम पानी से निकल आए थे, आके हमने दोबारा खाने की एक शिफ्ट लगाई, जो चीज़ें बच गई हुई थी बिरयानी। बस जी, मगरिब हो गई है, अभी हम यहाँ से निकलेंगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, आप लोग भी आए, 10 बजे तक की टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, और बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है, पानी से निकलने को दिल ही नहीं चाह रहा था किसी का भी, ना बड़ों का ना छोटों का। तो बस जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।